आज के वक्त में टेक्नोलॉजी गैजेट्स के साथ मिलिट्री वेपन्स भी एडवांस्ड हो रहे हैं। अगर आप पुराने वर्ल्ड वॉर वेपन्स और अभी के वॉर वेपन्स को कंपेयर करेंगे तो काफी डिफरेंस पता चलेगा। अभी के वक्त में सेल्फ डिफेंस के लिए जो वेपन्स है उसमें काफी इनोवेशन हुआ है, लेकिन अब मिलिट्री डिपार्टमेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एडवांस्ड वेपन्स बना रही है। फ्यूचर में हमारे मिलिट्री सोल्जर्स के पास ऐसे एडवांस वेपन देख सकेंगे जिससे सोल्जर्स खुद की और देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बहुत पुराने वक्त में देखने जाएं तो मुगल ब्रिटिश के टाइम से काफी बार वॉर हुए हैं। उस वॉर में ऐसे वेपन्स इस्तेमाल होते थे जो सामने वाले इंसान का खून बहा के मार दे, लेकिन अब मिलिट्री डिफेंस ने ऐसा यूनिक वेपन इन्वेंट किया है जिससे व्यक्ति का खून बहाने के बदले बर्निंग सेंसेशन होता है। ये यूनिक वेपन कौन सा है और ऐसे कई एडवांस वेपन हम इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आज का एक गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक्टिव डिनायल सिस्टम। एक्टिव डिनायल सिस्टम वेपन को बीम ऑफ पेन यानी दर्द की किरण भी कहा जाता है। ये वही वेपन है जिसके बारे में शुरुआत में थोड़ी सी झलक देखी थी। एक्टिव डिनायल सिस्टम ऐसा वेपन जो 94 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑस्किलेशंस एमिट करता है। इस वेपन से जो रे एमिट होता है सामने वाला इंसान को शॉर्ट टर्म शॉक इफेक्ट देता है। इस वेपन से इंसान का खून नहीं बहता है, लेकिन जो रेज एमिट होते हैं उसका असर गन की गोलियों से भी पावरफुल होता है। सबसे पहले इस रेज का रेडिएशन स्किन की ऊपर की लेयर अब्सॉर्ब करती है। उसके बाद जैसे ही रेडिएशन स्टॉप होते हैं 3 सेकंड के बाद जो दर्द होता है वो कोई सहन नहीं कर सकेगा। मतलब ये ऐसा वेपन है जो टेररिस्ट को तड़पा के मारता है। गन की गोली से टेररिस्ट डायरेक्टली मर जाता है, लेकिन ऐसे रेडिएशन शॉक से टेररिस्ट को दर्द का अनुभव करा के मरते हैं। ट्रिटॉन G810। ट्रिटॉन G810 ऐसी आर्मर्ड बोट है जो समुन्दर से वॉर करने के लिए काफी यूजफुल है। टफ वेदर कंडीशन में भी बोट पानी में स्टेबल और सेम स्पीड के साथ चले ऐसी बनाई गई है। इस बोट की लेंथ 319 इंचेस है और डेक की विथ 91 इंचेस है, जिसमें एक टाइम पे 10 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। इस बोट की खास बात है कि इसके कैबिन में 6 लूपहोल्स यानी बचाव के रास्ते हैं। उसके सिवा कॉकपिट की रूफ 12.7 कैलिबर मशीन गन से इक्विप्ट होगी और एक मशीन गन बोट के फ्रंट साइड पे माउंटेड होगी, यानी कि सोल्जर्स सभी तरह से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं टेररिस्ट से फाइट करते समय। टिकट ड्रोन। अब तक डिफेंस सिस्टम में गन्स, राइफल्स और टैंक जैसे वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ डिफेंस सिस्टम भी अपग्रेड हो रही है। इसीलिए अब बाकी वेपन्स के बदले मिलिट्री में ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए जाएंगे। ये लेटेस्ट टाइप का ड्रोन है जिसमें 22 पाउंड तक का वेपन अटैच करके हवा में लिफ्ट कर सकते हैं, और ये ड्रोन्स रिमोट से कंट्रोल किए जाते हैं और ऑपरेटर के कमांड देने पर ही शूट करते हैं। स्काईवॉल 100। स्काईवॉल 100 ऐसा गन है जो ड्रोन को एलिमिनेट करने के लिए बनाया गया है। हमने पहले ड्रोन के बारे में देखा तो उस ड्रोन को हवा में से एलिमिनेट करने के लिए इस गन का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस गन की खास बात ये है कि ये एक्सप्लोजिव गन नहीं है। इस गन से UAV रेज आते हैं जो ड्रोन को ब्लॉक करके उसको थोड़ा लोअर हाइट पे लाते हैं, फिर एक बड़ी नेट और पैराशूट के सहारे ड्रोन को पूरी तरह जमीन पे उतारा जाता है। लेजर एवेंजर। एक बार किसी मिसाइल को लॉन्च करने पे उसको टारगेट करके शूट करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेजर एवेंजर मिलिट्री डिफेंस में एक न्यू टाइप का वेपन है जो खासकर अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स और मिसाइल्स को डिफ्यूज के लिए बनाया गया है। ये लेजर एवेंजर वेपन किसी भी शिप, एयरक्राफ्ट या ड्रोन पे माउंट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना कोई एक्सप्लोजन ये इस वेपन से बॉम्ब्स और मिसाइल्स को डिफ्यूज कर सकते हैं। ऐसे वेपन आने के बाद बॉम्ब डिफ्यूज करना बॉम्ब स्क्वाड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबमरीन हंटर। सबमरीन हंटर का मेन बॉडी लो मैग्नेटिक स्टील से बनाया गया है। ये सबमरीन खासकर वॉर के टाइम इस्तेमाल हो उसके लिए बनाई गई है। सबमरीन हंटर 400 फीट लॉन्ग है, जिसके 8 वर्टिकल ट्यूब्स में सुपरसोनिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल वेपन्स रखने की जगह है।
निमित्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। अब तक हमने ड्रोन, सबमरीन, बॉम्ब डिफ्यूजिंग वेपन जैसे कई वेपन्स देखे। सभी वेपन्स में कुछ अलग यूनिक फीचर्स थे। उसी तरह यूएसएस निमित्स न्यूक्लियर पावर्ड मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब तक डिफेंस सिस्टम में इतनी बड़ी वॉरशिप नहीं बनाई गई है। पूरे वर्ल्ड में यह सबसे लार्जेस्ट वॉरशिप है, जिसका वेट ही 100,000 टन्स है और विड्थ में 1,090.2 फीट लॉन्ग है। इस बड़ी वॉरशिप के काफी मल्टीपर्पज यूज है, जैसे इसमें एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स कैरी कर सकते हैं। साथ ही इस शिप में डिफेंसिव और ऑफेंसिव वेपन्स भी रखे जा सकते हैं। तो ये थे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स जो आने वाले वक्त में इंडियन मिलिट्री फोर्स में दिखाई देंगे। अगर ऐसे एडवांस वेपन्स का इस्तेमाल किया गया तो हमारे काफी सोल्जर्स की जिंदगी बच जाएगी। तो इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।